सो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि यार मेटियो 350 6 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, लेकिन क्या ये गाड़ी लद्दाख जा पाएगी? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसका स्पेसिफिकेशंस देखते हैं और इसे एंड में बताते हैं कि क्या ये गाड़ी लद्दाख जा पाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर आप लोग भी इस गाड़ी को लद्दाख लेकर के जाना चाहते हैं या अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आज हम बात कर लेते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिए। सो अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूँ तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि इसका प्राइस क्या होगा। तो देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 160 से लेकर के 170 के आसपास होगा, बट इसका जो काफ़ी तीन मॉडल्स आने वाले हैं, एक है फायरबॉल आने वाला है, स्टेलर आने वाला है और सुपरनोवा आने वाला है। सो मुझे लगता है कि 160 से लेकर के 190 की रेंज के बीच में होंगे इसके एक्स शोरूम और ऑन रोड लगभग 2 लाख से लेकर के 2,20,000 के आसपास होंगे इसके। ठीक है, ये गाड़ी का एक अच्छी बात ये है कि ये क्रूज़र काइंड ऑफ है, तो जो लोग चाहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा हो और उसकी सीट हाइट भी कम हो ताकि शॉर्ट राइडर्स भी उसे राइड कर पाए, तो ये गाड़ी एक परफेक्ट है। बिकॉज इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है और अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 765 mm की है। मतलब अगर आप लगभग 5.2 के भी होंगे तो भी आप इस गाड़ी को आराम से राइड कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात होगी कि जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स है वो भी इस गाड़ी को आराम से मैनेज कर लेंगे। देखिए गाड़ी को कोई भी मैनेज करना एक अलग बात होती है और उसको ईजिली मीन्स कम्फर्टेबली उस बाइक को हैंडल करना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। और अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो 349 cc का इंजन होने वाला है इसमें। तो जैसे कि आप लोग बहुत सारे पावर फिगर आप देख चुके हैं, आप जानते हैं कि इसमें कितना पावर होना है, फिर भी मैं नंबर्स आपको बता देता हूँ। तो मैक्सिमम जो पावर ये प्रोड्यूस करने वाला है ये 20.2 bhp करेगा और अगर जो टॉर्क है वो 27 Nm का टॉर्क है। देखिए बहुत ज़्यादा टॉर्क इंजन होने वाला है, तो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं जिसमें आप लगेज अपना कैरी करते हैं तो उस समय में आपको टॉर्क ज़्यादा हेल्प करता है उस लोड को कैरी करने में। सो अगर आपका 27 Nm का टॉर्क है मतलब आराम से आप थोड़ा हैवी स्टफ अपनी गाड़ी में लगा करके आप ले जा सकते हैं। फिर अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सिंगल चैनल वाला इशू नहीं है, ये भी डुअल चैनल होगा, एक अच्छी बात है। अलॉय व्हील्स है मतलब ट्यूबलेस टायर होंगे, मतलब पंचर का ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप कभी गलती से गाड़ी पंचर होती है तो आप उसमें हवा भरा करके थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, फिर आप पंचर बनवा सकते हैं। और अगर मैं इसके टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो बहुत अच्छा टायर प्रोफाइल निकल के आ रहा है। फ्रंट में इसका 100 mm का टायर प्रोफाइल है और रेयर में इसका 140 सेक्शन का है। सो ये एक अच्छी बात है कि 140 mm का जब टायर का ये होगा तो मतलब ग्रिप भी काफ़ी अच्छा होगा। और अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो ये लगभग 15 लीटर का है, तो मतलब आपको एक अच्छा टैंक रेंज भी मिलेगा कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करनी है तो आपको बार बार फिलअप नहीं कराना पड़ेगा। जैसे कि आजकल की गाड़ियों में लगभग 10 लीटर का भी फ्यूल टैंक आता है तो आपको बार बार फिलअप कराना पड़ता है। सो ये एक अच्छी बात है कि 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है, मतलब आपको एक अच्छी रेंज मिलने वाली है। इसमें डिस्क के ऑप्शन डबल डिस्क रहने वाले हैं, ये अच्छी बात है। सो अगर मैं हेडलाइट की भी बात करूँ तो हेडलाइट भी पूरे LED है। सो ये एक अच्छा है कि आपको नाइट विजन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो इस बाइक में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जो पॉस्चर है, राइडिंग पॉस्चर वो काफ़ी अच्छा है, मतलब हैंडल बार थोड़े से अप है और जो सीटिंग पॉस्चर है उसमें भी काफ़ी कुशनिंग दिख रही है। तो क्या होता है काफ़ी बाइक्स में सिर्फ राइडर के लिए कुशनिंग होती है बट पिलियन के लिए नहीं होती, बट इसके अंदर जो इमेजेस निकल के आ रही है उसमें पिलियन के भी सीट में काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। सो इसका मतलब अगर आप अपने पिलियन के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं सो आपको कम्फर्ट का ज़्यादा इशू नहीं आएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको इनबिल्ड USB चार्जिंग का पोर्ट मिलने वाला है। तो देखिए कितना भी आप बाहर से एक्स्ट्रा सो आप कितना भी बाहर से आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवा लीजिए, लेकिन जो इनबिल्ड कंपनी अगर आपको देती है तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होगी। सो अगर मैं बात करूँ USB चार्जिंग सॉकेट की तो मतलब अगर वो इनबिल्ड दिया हुआ है तो काफ़ी अच्छा उसका बैकअप होने वाला है और काफ़ी ड्यूरेबल होने वाली है। फिर सबसे अच्छा अगर इसमें जो अपग्रेड किया गया है डिस्प्ले कंसोल में किया गया है, बिकॉज ये एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर आप बता दूंगा कि कौन सी डिटेल्स है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बस पॉज करके आप पढ़ लीजिए, बिकॉज इसके अंदर ब्लूटूथ नेविगेशन है, सब चीज़ें LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, मतलब पावर पैक अच्छा लग रहा है कि कंसोल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जो सबसे इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है रॉयल एनफील्ड ने। देखिए इंडिया में रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक का ब्रांड नहीं है, ये एक इमोशन है, बिकॉज जो लोग रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं उनका एक इमोशन अटैच होता था बाइक के साथ में। तो उसके लिए जो क्या होता है पहले काफ़ी इश्यूज आते थे इंजन के साथ में, बट इस बाइक के अंदर सेम जो 650 cc के टाइप में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है सेम इसमें भी यूज़ किया गया है, इसमें भी बैलेंस शाफ्ट यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि आपको वाइब्रेशन न के बराबर ही मिलने वाले हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 350 cc की कोई बाइक लेते हैं जिसमें वाइब्रेशन बहुत कम है तो आप अच्छे से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मैं इंजन की वारंटी की बात करूँ तो 3 ईयर्स की वारंटी आपको इंजन पर मिल जाएगी, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी बात है कि आपको एक अच्छे ब्रांड की तरफ से एक अच्छी वारंटी पैकेज मिल रहा है। सो हमें 6 नवंबर तक का वेट करना होगा प्रॉपर प्राइसिंग के लिए और इसके लॉन्च के लिए। बाकी सारे कलर ऑप्शंस मैं आपको स्क्रीन पे बता चुका हूँ।
सो अगर मैं इन सारे पैरामीटर्स को देखूं तो मैटियो 350 एक बहुत अच्छी बाइक होने वाली है अगर आप लोग लद्दाख लेके जाना चाहते हैं तो, बिकॉज इसका जो माइलेज है, इसका जो सीट कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें, 350 सीसी का इंजन, काफ़ी इंजन टॉर्की होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी बाइक होने वाली है, एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है आपका अगर आप लोग इसे लद्दाख लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो। बिकॉज जैसे ही लॉन्च होगी काफ़ी लोग इसे लद्दाख लेकर के जाएंगे, लद्दाख का सीज़न आने वाला है, सो देखते हैं कि ये बाइक मार्केट में कितना धमाका मचाती है, बिकॉज उम्मीदें तो रॉयल एनफील्ड काफ़ी इससे ज़्यादा है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, इतना अच्छा इंजन इसका बनाया गया, रिफाइनमेंट बहुत इंजन होने वाला है बिकॉज बैलेंस शाफ्ट है इसमें, सो इन सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है लद्दाख के लिए। लेकिन फिर भी जब तक बाइक लॉन्च नहीं होती, जब तक ये रोड पर नहीं आती, लोगों के ओनरशिप कैसे हैं इस बारे में, फिर कौन कौन लोग इसे लेकर के जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कितनी खरी उतरती है। बट फिर भी जो देखा जाए, स्पेसिफिकेशंस को देखें, तो एक काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है अगर कोई इसे लद्दाख लेके जाना चाहता है तो। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।